हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनीज किचन। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्रिपरेशंस। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप मैदा, जिसमें डालेंगे हम नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालना है नमक। साथ में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, ये करीब 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डलेगा इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इतना रिफाइंड होना चाहिए कि एक मुट्ठी की तरह ये बन सके। तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है इसका टेक्सचर। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, जो कि मैं लूकवॉर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और हमें यहाँ पे एक टाइट डो लगाना है इसका। डो को हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इस पे डालेंगे हम डैम क्लोथ, गीला कपड़ा, और इसे अच्छे से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके लिए हम बनाएंगे मीठी चटनी। मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है, उसमें डाल देंगे चीनी। ये गरम करीब मैंने 1/2 कप चीनी ली है। उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच विनेगर का, आधा कप पानी, और साथ में 1 चम्मच इमली का पेस्ट। इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये हमारा पानी बॉईल होने लग गया है इसमें। इसमें डाल देंगे हम नमक। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला है नमक, आधा चम्मच से भी कम। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच काला नमक, और आधा छोटा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से पक गई है। अब इसको हम कर देंगे बंद और ठंडा होने देंगे। अब बनाएंगे हम हरी चटनी। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, 1/4 चम्मच नमक, पुदीना, धनिया, थोड़ा सा पानी, और इसे हम कर लेंगे ब्लेंड। कटोरी चाट में डालने के लिए मैंने लिए हैं उबले हुए चने। इन्हें रात भर भिगो लिया था, उसके बाद बॉईल कर लिया। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने 1 प्याज लिया यहाँ पे बारीक कटा हुआ, टमाटर और 1 उबला हुआ आलू। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब बनाते हैं अपनी कटोरी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, उससे ज्यादा इनफैक्ट टाइम हो गया थोड़ा। तो अब हम ये आटा ले लेंगे, इसे एक बार दोबारा नीट कर लेंगे अच्छे से। अब एक लेंगे छोटा सा इसका पेड़ा। ऐसे गोल कर लेंगे और अब इसे बेल लेंगे।
अब इसको हम फोक से इसमें छेद कर लेंगे ताकि ये फूले ना। मैंने ये छोटे साइज की कटोरी ली है, इसके ऊपर मैंने तेल लगा लिया अच्छे से। इस पर लगाएंगे हम ये अपना बैटर, अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको हम इसमें डाल देंगे और सिम गैस पे इसको पकने देंगे। अब ये हम इसके पकड़ने वाले की हेल्प और चक्कू से कटोरी को बाहर निकाल लेंगे। बड़े आराम से आपकी कटोरी बाहर आ जाएगी। इसको तेल से पूरी भर के हम इसको पकने देंगे। अब थोड़ी देर बाद इसको हम उल्टा कर लेंगे ताकि इसके कॉर्नर्स जो रह चुके हैं पकने से वो भी पक जाएंगे। ये कटोरी अब हमारी पक चुकी है, इसे निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। कटोरी अब हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम ये आलू प्याज टमाटर जो हमने मिक्स किया था। मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, इसको सजाएंगे हम हरे धनिए और थोड़ी सी सेव के साथ। कटोरी चाट हमारी बनके तैयार हो चुकी है, इसे एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।